कच्छ में एक स्थान है मांडवी, उस मांडवी में हमने एक स्मारक बनाया है श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का। हिंदुस्तान के अंदर आजादी के आंदोलन में दो धाराएं रही, एक महात्मा गांधी प्रेरित जन जागरण के माध्यम से देश की आजादी का आंदोलन और दूसरा सशस्त्र क्रांति का आंदोलन। भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, वीर सावरकर हो, एक दूसरी धारा थी और दोनों धाराएं देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए काम कर रही थी। और उस समय श्याम जी कृष्ण वर्मा एक प्रकार से क्रांति गुरु थे, हिंदुस्तान के अंदर क्रांतिकारियों को जन्म देने का काम लंदन के इंडिया हाउस में करने का सौभाग्य श्याम जी कृष्ण वर्मा को मिला। अब श्याम जी कृष्ण वर्मा महर्षि दयानंद जी की प्रेरणा से काम करते थे, महर्षि दयानंद जी को मिलकर के हो गए। आज भी श्याम जी कृष्ण वर्मा और महर्षि दयानंद जी का पत्र व्यवहार वो अपने आप में एक देशभक्त लोगों को प्रेरणा देने वाला पत्र व्यवहार। वो श्याम जी कृष्ण वर्मा के जो अस्थि विदेश की धरती पर थे, 73 साल तक ये अस्थि विदेशों में इंतजार कर रहे थे कि कोई भारत माँ का लाल आएगा और मेरे अस्थि हिंदुस्तान ले जाएगा। शायद वो सौभाग्य मेरे नसीब में लिखा था और मैं 2003 में गया, श्याम जी का अस्थि ले आया और उसी अस्थि यहां रखे हैं। वहां एक स्मारक क्रांति गुरु का बनाया है, क्रांति तीर्थ बनाया है। वहां आज भी डेली आर्य समाज की रीति पद्धति के अनुसार यज्ञ होता है, प्रतिदिन होता है।